26 अक्टूबर को सभी एनएम जो हैं कार्य करने वाली अपना कोविड वैक्सीनेशन के बाद मेरे पास आई, क्योंकि मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का बरेली का जिलाध्यक्ष हूँ, कि सभी एनएम की समस्या ये है कि उनसे लगातार कार्य लिया जाता है, कार्य करने के उनके घंटे निश्चित नहीं हैं, उन्हें कोई भी हफ्ते में छुट्टी नहीं मिल पा रही है, चाहे वो राजपत्रित अवकाश हो चाहे संडे हो, सभी दिन कार्य लिया जाता है। तो कहने का मतलब है उनकी एक पीड़ा ये है कि हफ्ते में एक दिन उनको छुट्टी अवश्य दी जाए और काम के जो घंटे हैं वो भी निश्चित किए जाएँ। 10 से 9 बजे जो बीच में रखा गया, 9 से 4 बजे तक का जो टाइम रखा गया था सबसे ठीक रखा गया था, क्योंकि वो फील्ड में जाती हैं और अपना कार्य भी करती हैं और भी कार्य कर सकती हैं आने जाने का। और उनकी एक समस्या और भी है, सभी लोगों की समस्या ये है कि वो चाहती है कि कोविड वैक्सीनेशन के साथ RI वाला प्रोग्राम साथ ना रखा जाए। RI कोविड से थोड़ा उनको कन्फ्यूजन पैदा होता है, उनका कहना ये है। और उनका कहना ये भी है सभी एनएम्स का कि हमारा मानदेय नहीं मिल रहा है और कुछ उनके दे जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे स्थाई हो चाहे अस्थाई हो, कोई भी एनएम हो, सभी एनएम का एक ही शब्द में ये कहना चाह रहे हैं उनको समय चाहिए। हफ्ते में मेरा अधिकारियों से और सरकार से गुजारिश है कि हफ्ते में एक दिन का अवकाश ज़रूर दें, जिससे सरकारी कार्य का साथ साथ अपना सामाजिक कार्य भी कर सकें। और एनएम्स की एक समस्या और भी है, उनके प्रोन्नत के जो पद खाली है HB के 2018 से अभी तक HB के प्रमोशन नहीं हुए, ऐसा सुनने में आया अन्य ज़िलों में हो गया, तो इस ज़िले में भी प्रमोशन के उनके पद भरे जाएं और उनका कार्य किया जाए। तो NM की जो भी समस्या, उनके ज्ञापन दिया जाएगा। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी ज्ञापन देने गए सब लोग, और मेरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से उम्मीद है कि वो जो भी कार्य हैं उनके जो इसी स्तर से हो सकते हैं उन कार्य को संपन्न रहा, जिसमें NM को असंतोष ना हो और आज के प्रोग्राम को सही पूर्वक संचालित कर सके। धन्यवाद। अरे बेटा सबसे बड़ी समस्या उनकी है, इनका टाइम 9 से 4 रखा जाए, ये नहीं 10 से 5 रख दिया जाए। कुछ लोगों को ये आशंका है शायद 8 बजे 10 बजे रात को लगाना पड़ जाए, ठीक है। हाँ, 9 से 4 को फील्ड में जाते हैं, 9 से 4 लिखा हुआ है, 9 से 4 टाइम रखा जाए। और ये इनका सबसे मुख्य बात ये है कि संडे को काम ना लिया जाए, संडे को काम ना लिया जाए, संडे छुट्टी वाले दिन। हाँ, छुट्टी वाले दिन कोई रजिस्ट्री उठा लेती हो, ये चीजें है, बाकी नियमित टीकाकरण और कोविड कार्ड एक साथ ना लिए जाए, ये इनका कहना है, ठीक है। और मेन ये है कि जिनका काम हो चुका है यहाँ HP के पद खाली पड़े तो उनमें प्रमोशन करा जाए, जो ग्रेड पे जितनी हो जाएगा तनख्वाह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और टाइमिंग का है और दिनों का है, ठीक है। और सुनो, बात हुई अभी कुछ दिन पहले मिला है तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा, सब जगह चिट्ठी में लिख के दे दी गई। बराबर का काम करते हैं, नहीं वो सबका है, उसमें मानते सबका, डॉक्टर साहब क्यों सबका मानते हैं, ये नहीं है कि जैसे जैसे पल्स पोलियो में होता है वैसे ही उसमें भी होता है, ठीक है। तो आप लोग वो सब बातें लिख जाएंगे और नेट भी चार्ज का, आपकी सबसे बड़ी आकस्मिक अवकाश की है और टाइमिंग की बात है कि संडे ना लीजिए, सभी को समस्या है। जो हमारे इस तरह से संभव नहीं है, जिस दिन पहले हो चुकी है ना, इसलिए संज्ञान में ले रहे सभी की हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। सामने का हमें देख रहे हैं, क्योंकि
9 से 4 नहीं है। शासन का महानिदेशक का राजपत्रित वाला भी होता है और रविवार को भी होता है, उसमें तो ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ गर्भजोत आ गया या दिवाली आ गई, साफ सफाई करनी है तो इधर से नहीं ना, इधर से नहीं, खड़े हो जाओ इधर। नहीं भाई, गंगा देवी अब आपके लिए लड़ाई करेंगे, सबसे पहले गंगा देवी पकड़ना कोई बात हो, ठीक है? ये मतलब मजाक नहीं है, ये मतलब असली है, ठीक है? हाँ, साथ में हो, आज कितने लोग आए, कल और लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है? जब सब लोग जुड़ेंगे उसके बाद देख लेना। सुनीता सी एस सी पिथरी बरेली, सुनीता आओ, जोरदार ताली स्वागत करो उनका।
इसके बाद आती है हेमलता वरिष्ठ उपाध्याय। ये हेमलता बेचारी हर समय तैयार रहती, तो हेमलता यहाँ खड़ी भैया बहन कुछ चलो छोटा ताली बजा दो भाई। ये वरिष्ठ उपाध्याय यादव फरीदपुर उपाध्याय सरबा में जल्दी आओ ऊपर आओ। अरे तुम्हारे साथ सब लोग हैं, क्यों परेशान? अभी साथ है भला भला ये रहे शशि प्रभा सी एस सी फरीदपुर उपाध्याय। फोटो लेते रहना फोटो करा देंगे भाई। अनमोल 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 आ जाओ, चलो अनमोल को बताओ। सीमा दीदी को कोई भी समझ बाकी अपना है। बोलिए बोलिए हाँ अनमोल हो गया, अनमोल को बताओ कोई चला नहीं होगा। और से जा दिया भैया फिर अंजू संप्रेक्षक के पद पे है, ये सी एस सी पिछड़ी से है। अंजू कौन है? अंजू हाँ पहला पहला मैडम से बात भैया ये हाथ बढ़ा के सब लोग हाथ बढ़ा चलो हाथ बढ़ा। तुम चाहे
ये लोग समझ लेते हैं कि कोई भी समस्या होगी, कोई भी तुम लोग प्रॉब्लम होगी, चाहे वेतन संबंधित हो, किसी बात कर लो, सभी लोग ये लोग अपने सभी लोग साथ रहेंगे, ठीक है। अगर इतने लोग लड़ने तैयार हो जाएंगे तो और लोग इकट्ठे हो जाएंगे आपको, ठीक है। सब लोग सामने अपने हाथ करके ऐसे मोबाइल चला रहे हो, हम सभी शपथ लेते हैं कि कोई भी समस्या आएगी तो हम सब एक दूसरे का साथ देंगे और हम किसी जुर्म को नहीं सहेंगे। कर्मचारी एकता हो गया, अभी तुम्हारा इलेक्शन हो गया। एकता चलो भाई।